क्या प्राइस में देने वाले हैं? आपको 35 में नाम ट्रांसफर करके दे देंगे, 38 की है, आपको 35 में 45,000 में दे देंगे। एक्टिवा 125 आपको 45,000 38 की है नाम ट्रांसफर इंश्योरेंस करके। वेलकम बाइक में चैनल मिस्टर अशरफ, न्यू वीडियो के साथ फिर से हाजिर है। तो आज का वीडियो होने वाला है सेकंड हैंड बाइक का शॉप का, नाम है अलंकार होंडा। यहां पर आप लोगों को काफ़ी सारी बाइक का स्टॉक मिलने वाली है और स्कूटी का, और काफ़ी अच्छी कंडीशन में बाइक और स्कूटी मिलने वाली है और काफ़ी अच्छी प्राइस में मिलने वाली है। तो चलता है फिर आप लोगों को यहाँ का स्टॉक दिखाते हैं। स्टॉक की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग होंडा की HP साइन आप लोगों को मिल जाने वाली है। यहाँ पर होंडा का काफ़ी सारी बाइक की स्टॉक होने वाली है जो आप लोग देख सकते हैं, और काफ़ी बजट फ्रेंडली होने वाली है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग कमेंट भी कर रहे थे भाई हीरो का स्प्लेंडर दिखाने के लिए, तो भाई यहाँ पर आप लोग को हीरो का स्प्लेंडर भी मिल जाने वाली है। और यहाँ पर देख सकते हैं होंडा का काफ़ी सारी बाइक का स्टॉक होने वाली है। यहाँ पर आप लोगों को यामाहा का पासिनो मिल जाएगी व्हाइट कलर में, और आप लोग देख सकते हैं स्कूटी का भी काफ़ी सारी स्टॉक होने वाली है। आप लोग देख सकते हैं, तो आपको मिलाते हैं अभिषेक भाई से और उन्हीं से जानेंगे और बाइक और स्कूटी का पूरा डिटेल। तो आ जाइए अभिषेक भाई। अभिषेक भाई आपका स्वागत है मेरे चैनल पर, मेरे व्यूवर्स को पहले हाय बोल दीजिए। हाय दोस्तों। तो अभिषेक भाई, इस वीडियो में कौन कौन सी बाइक और स्कूटी दिखाने वाले हैं? अभी हम दिखाने वाले हैं होंडा की साइन SP, CV साइन आपको दिखा देंगे, स्प्लेंडर दिखा देंगे, ये सब और सब स्कूटी दिखा देंगे आपको। स्कूटी में कौन कौन सी स्टॉक आपके पास है? मेरे पास यामा की है, यामा और एक्टिवा 125 आपको मिल जाएगी। बाइक और स्कूटी का काफ़ी सारी स्टॉक होने वाली है। अभिषेक भाई, स्टार्टिंग प्राइस क्या होगा? 35,000 से स्टार्टिंग है मेरे पास। 35,000 से स्टार्टिंग प्राइस है। कौन सी बाइक से आप स्टार्ट करने वाले हैं? SP साइन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलता है फिर आप लोगों को बाइक का पूरा डिटेल देता है। SP साइन से स्टार्ट करने वाले हैं। 2017 की मॉडल है, BS4 गाड़ी है, आपको चली हुई है 13,000 के समथिंग चली हुई है। ऑनर क्या होने वाली है? फर्स्ट ऑनर गाड़ी है। और भैया गाड़ी में कोई टचअप उछप नहीं? कोई टचअप नहीं, कोई टच शोरूम मेंटेनेंस में गाड़ी है। शोरूम मेंटेनेंस में गाड़ी आप लोग देख सकते किस तरह की है। भैया नेक्स्ट कौन सी गाड़ी आप दिखाने वाले हैं? नेक्स्ट आपको होंडा की ड्रीम नियो दिखाने वाली है। भैया कौन सी मॉडल होने वाली है? 2013 की मॉडल है। 2013 की मॉडल है। कितनी किलोमीटर चली हुई है? लगभग 25,000 के समथिंग चली हुई है। ऑनर क्या होने वाली है? ऑनर फर्स्ट ऑनर है। क्या प्राइस में देने वाला है? आपको 35 में नाम ट्रांसफर करके दे देंगे। 35 में नाम ट्रांसफर करके देने वाला। और ये वाला बाइक, ये भी आपको 54,000 में नाम ट्रांसफर करके दे देंगे। 54,000 में नाम ट्रांसफर करके आप दे देने वाले। भैया नेक्स्ट कौन सी बाइक आप दिखाने वाले हैं? आपको होंडा की CV साइन दिखाएंगे। होंडा की CV साइन। हाँ। क्या डिटेल होगा बाइक का? ये 2014 की मॉडल है, चली हुई है आपको 15,000 के समथिंग चली हुई है। ऑनर क्या होने वाला? ऑनर फर्स्ट ऑनर है। और भैया कुछ नहीं, एक्सीडेंट कुछ नहीं, कुछ नहीं। और भैया पेपर इंक्लूड रहेगा इसमें? हाँ, जो भी देंगे नाम ट्रांसफर करके देंगे। आने पर कुछ कम भी हो जाएगा? हाँ, आपके अनुसार आएंगे तो कम हो जाएंगे। हो जाने वाली है। आप लोग फ्रंट से आप लोग देख सकते किस तरह की है। टायर की कंडीशन आप लोग देख सकते कितनी परसेंट टायर बची हुई है। और आप लोग साइड से भी आप लोग दिखा देते हैं, साइड से भी आप लोग देख सकते किस तरह की है। भैया नेक्स्ट कौन सी बाइक आप दिखाने वाले हैं? नेक्स्ट होंडा की यूनिकॉर्न दिखाएंगे, 2015 की मॉडल। 2015 की मॉडल है। कितनी किलोमीटर चली हुई है? मीटर चली हुई है ये 18,000 के लगभग चली हुई है। ऑनर क्या होने वाला? फर्स्ट ऑनर है। और कोई बाइक उक में दिक्कत उक्कत? कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सब चेक करा के रखते हैं। क्या प्राइस में देने वाले हैं? आपको 35 में नाम ट्रांसफर करके दे देंगे। 35 में नाम ट्रांसफर करके देने वाला। और इसका क्या प्राइस बताया था? ये 38 की है, 38 ट्रांसफर करके 14 मॉडल, 2014 की मॉडल, नाम ट्रांसफर करके आप देने वाले। भैया नेक्स्ट कौन सी बाइक दिखाने वाले हैं? नेक्स्ट हीरो की है HF Deluxe, ये जो की बिकी हुई है। कौन सी मॉडल थी ये? 2010 की मॉडल है। 2010 की मॉडल। नेक्स्ट कौन सी बाइक आप देखेंगे? नेक्स्ट आपको स्प्लेंडर दिखाएंगे, 14 मॉडल, 2014 की मॉडल है, ये भी बिकी हुई है। स्प्लेंडर काफी लोग डिमांड भी कर रहे थे भाई स्प्लेंडर दिखाओ, तो अभी तो सेल हो गया। भैया आने वाले समय में आपके पास अवेलेबल होगा? हाँ, मिल जाएगा, मिल जाने वाली है। इसे क्या रेट लगेगा लमसम? क्या गाड़ी आने के बाद ही रेट? गाड़ी आने के बाद आपको रेट पता चलने वाली है। तो भैया नेक्स्ट कौन सी बाइक आप दिखाने वाले? आपको CV साइन दिखाएंगे। CV साइन दिखाने वाला, होंडा CV साइन। होंडा CV साइन है। क्या डिटेल होगा इस बाइक का? ये 12,000 किलोमीटर चली हुई है, 15 मॉडल गाड़ी है। 15 मॉडल है। ऑनर फर्स्ट ही होने वाला? ऑनर फर्स्ट है। फर्स्ट होने वाली, तो आप लोग दिखा देते हैं, आप लोग देख सकते हैं।
टायर की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं कितनी परसेंट टायर बची हुई है, और आप लोग इस साइड से भी आप लोग देख सकते हैं किस तरह का, और इंजन भी आप लोग देख सकते हैं खुला उला नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। भैया क्या रेट में देने वाले हैं आपको? 44,000 में नाम ट्रांसफर करके दे देंगे। 44,000 में नाम ट्रांसफर करके देने वाले, आने पर कुछ कम भी हो जाना? आने पर थोड़ा बहुत कम हो जाएगी, कम हो जाने वाली। तो भैया नेक्स्ट कौन सी बाइक आप दिखाने वाले? आपको दिखाएंगे फिर से होंडा सीवी साइन दिखाएंगे, 2015 की मॉडल है। कितनी किलोमीटर चली हुई है? ये चली हुई है 15,000 के लमसम। 15,000 के लमसम। ऑनर क्या होना? फर्स्ट ऑनर फर्स्ट है। और भैया खरीदने के बाद कोई कुछ दिक्कत उक्कत? नहीं कोई दिक्कत नहीं, सब हम लोग चेक करा के रखते हैं। चेक करा के देने वाला है, और ट्रांसफर इंक्लूड रहता है? ट्रांसफर इंक्लूड है, इंक्लूड रहने वाला। क्या प्राइस में आप देने वाले हैं? आपको 44,000 की है। इसका भी 44,000? दोनों में से कोई लीजिए, दोनों ये 44,000 की है, नाम ट्रांसफर करके। कम नाम ट्रांसफर करके, आने पर कुछ कम हो जाने वाला? आने पर थोड़ा बहुत कम हो जाने। तो आप लोग देख सकते हैं गाड़ी किस तरह की है, टायर की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं कितनी परसेंट टायर बची हुई है, और आप लोग इस साइड से भी आप लोग दिखा देते हैं, आप लोग इस साइड से भी आप लोग देख सकते हैं किस तरह, सीट भी आप लोग देख सकते हैं किस तरह की है, और इंजन आप लोग देख सकते हैं कुछ दिक्कत उक्कत नहीं है इंजन में। तो भैया नेक्स्ट कौन सी क्या दिखाने वाला है? स्कूटी दिखाने वाले हैं, स्कूटी दिखाने वाला है। तो कौन से स्कूटी से आप स्टार्ट करने वाले हैं? यामा की अल्फा से स्टार्ट करेंगे। क्या डिटेल होगा स्कूटी का? ये 2019 की मॉडल है यामा अल्फा, ये आपको चली हुई है 10,000 के लमसम। 10,000 के लमसम चली। ऑनर क्या होने वाला है? फर्स्ट ऑनर है, फर्स्ट ऑनर। भैया क्या प्राइस में देने वाले हैं? 45,000 में नाम ट्रांसफर करके दे देंगे। 45,000 में नाम ट्रांसफर करके। इसमें इसका नया में क्या प्राइस है? नया में अभी पड़ रहा होगा 1,00,000 के समथिंग पड़ रहा होगा। 1,00,000 समथिंग। कौन सी मॉडल है ये? 19 की मॉडल है। 2019 की मॉडल है। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रंट से किस तरह की है, टायर की कंडीशन आप लोग देख सकते कितनी परसेंट टायर बची हुई है, और आप लोग साइड से भी आप लोग देख सकते किस तरह की है। तो भैया नेक्स्ट कौन सी स्कूटी आप दिखाने वाले हैं? आपको दिखाएंगे होंडा की एविएटर, 18 मॉडल गाड़ी है, बेल मेंटेनेंस में गाड़ी है, 15,000 किलोमीटर चली हुई है, ऑनर फर्स्ट ही है, ऑनर फर्स्ट ऑनर गाड़ी है। ये आपको नाम ट्रांसफर करके 45,000 में दे देंगे। नाम ट्रांसफर करके 45,000, आने पर कुछ नेगोशिएबल हो जाना? आने पर थोड़ा बहुत हो जाएगा, हो जाने वाली। तो आप लोग देख सकते किस तरह की है, फ्रंट से आप लोग देख सकते किस तरह की है, टायर की कंडीशन आप लोग देख सकते कितनी परसेंट टायर बची हुई है, और आप लोग साइड से भी आप लोग देख सकते किस तरह की है। भैया नेक्स्ट कौन सी स्कूटी दिखाने वाले हैं? नेक्स्ट आपको दिखाएंगे होंडा एक्टिवा। होंडा एक्टिवा, क्या डिटेल होगा इसका? ये आपको 2017 की मॉडल, 17 लास्ट की है, 17 लास्ट की मॉडल है, 2015 किलोमीटर चली हुई है, 15,000 किलोमीटर चली हुई है, 45,000 में आपको नाम ट्रांसफर करके दे देंगे। 45,000 में नाम ट्रांसफर करके आप लोगों को मिलेगा। गाड़ी फर्स्ट ओनर है, गाड़ी फर्स्ट ओनर है। तो आप लोग गाड़ी देख सकते हो फ्रंट से किस तरह की है, कोई दिक्कत उक्कत नहीं है, साइड से भी आप लोग देख सकते हैं किस तरह की है, और सीट उट भी आप लोग देख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। भैया नेक्स्ट कौन सी स्कूटी दिखाने वाले हैं? नेक्स्ट आपको दिखाएंगे एक्टिवा 125। एक्टिवा 125 जी, क्या डिटेल होगा इसका? ये 2018 की मॉडल है, ये गाड़ी चली हुई है 12,000 के समथिंग चली हुई है। 12,000 के समथिंग चली हुई है। तो आप लोग किलोमीटर भी आप लोग दिखा देते हैं, आप लोग किलोमीटर भी आप लोग देख सकते हैं कितनी किलोमीटर चली हुई है। क्या प्राइस में देने वाले गाड़ी? ये आपको 50,000 में नाम ट्रांसफर करके दे देंगे। 50,000 में नाम ट्रांसफर करके दे देने वाले हैं। भैया नेक्स्ट कौन सा स्कूटी आप दिखाने वाले हैं? आपको दिखाएंगे होंडा एक्टिवा 125। एक्टिवा 125, हाँ। क्या 2017 की मॉडल है, आपको 45,000 में नाम ट्रांसफर करके। कितनी किलोमीटर चली हुई है ये? चली हुई है 12,000 के समथिंग। 12,000 के समथिंग। लोग देख सकते किस तरह की है, टायर की कंडीशन आप लोग देख सकते कितनी परसेंट टायर बची हुई है, और आप लोग साइड से भी आप लोग दिखा देते हैं। नेक्स्ट कौन सी स्कूटी आप दिखाने वाले हैं? नेक्स्ट आपको दिखाएंगे एक्टिवा 110 सीसी में, 2018 की मॉडल है, गाड़ी चली हुई है 13,000 के लमसम। 13,000 के लमसम चली। और क्या प्राइस में देने वाले? ये आपको 45,000 में नाम ट्रांसफर करके दे देंगे। 45,000 में नाम ट्रांसफर करके देने वाले, और फर्स्ट ऑनर गाड़ी, फर्स्ट ऑनर है, फर्स्ट ऑनर गाड़ी है। आप लोग देख सकते किस तरह की है। नेक्स्ट कौन सी स्कूटी दिखाने वाले हैं? और लास्ट नेक्स्ट आपको दिखाएंगे यामा की फैशिनो है, यामा का फैशिनो व्हाइट कलर में है, और काफी अच्छी कंडीशन में आप लोग देख सकते हैं व्हाइट कलर में। क्या डिटेल होगा? ये 2018 की मॉडल है, गाड़ी चली हुई है मात्र 11,000 किलोमीटर, मात्र 11,000। और क्या प्राइस में देने वाला है? 48 की है, नाम ट्रांसफर इंश्योरेंस करके। 48 में नाम ट्रांसफर इंश्योरेंस कर कब देने वाले? इंश्योरेंस 1 साल के करते जी, 1 साल के नाम इंश्योरेंस करके देंगे, करके देने वाले। आने पर नेगोशिएबल हो जाने वाली जी। ये नया में क्या प्राइस है इसका? नया में भी 1,00,000 के समथिंग पड़ रही होगी, 1,00,000 के समथिंग पड़ रही है। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रंट से व्हाइट कलर में नंबर है पटना की, और आप लोग साइड से भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किस तरह की है।
और सीट भी आप लोग देख सकते किस तरह की। भैया आप लोग किलोमीटर भी आप लोग दिखा देते हैं, किलोमीटर भी आप लोग देख सकते कितने किलोमीटर चले हुए हैं। भैया शॉप एड्रेस की बात किया जाए तो नए व्यूअर्स के लिए आपका शॉप कहाँ पर समझा दिया? सरिस्ताबाद 70 फीट अलंकार होंडा नियर इंडियन पेट्रोल पंप के बगल में, सेकंड फ्लोर पे आपको आना है, अलंकार होंडा में सेकंड फ्लोर पे आना है। आप लोगों को स्क्रीन पर नंबर मिल जाएगा तो भैया से आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा, और बाकी की जानकारी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, यहाँ तक आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।